हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिप्लोमा कोर्सेज की सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारी संचायक बैटरी। ठीक है, तो क्षारी संचायक बैटरी पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे सीसा अम्ल संचायक बैटरी पढ़े थे। ठीक है, यानी अम्लीय सेल के बारे में हम लोग जान चुके थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्षारी संचायक बैटरी। तो इसके बारे में जाने, तो देखिए क्या होता है। ये क्षारी संचायक जो बैटरी होती है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सारी क्षारी संचायक बैटरी जो होती है, यह एक बैटरी शीशा, मतलब यह जो बैटरी होती है शीशा अम्ल संचायक बैटरी के समान ही होती है। लेकिन देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें यह भी विद्युत धारा का रासायनिक स्रोत है। जैसे कि शीशा अम्ल संचायक बैटरी क्या था, वो भी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक स्रोत था, यह भी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक स्रोत है। इसका डिजाइन थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें भी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटें कंटेनर में विद्युत अवघट के साथ रख दिए जाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। क्लियर बात में आई? और देखिए इसमें दिया है, इसमें दो प्रकार कौन कौन होते हैं। पहला होता है निकिल लौह क्षारी संचायक बैटरी, दूसरा होता है निकिल कैडमियम क्षारी संचायक बैटरी। तो पहले के बारे में हम लोग पढ़े, निकिल लौह क्षारी संचायक बैटरी के बारे में देखें तो यह क्या होता है, आइए। ठीक है, देखिए इसका आधान पात्र मतलब क्या, कंटेनर 0.8 mm से 1 mm मोटी इस्पात चादर की बनी होती है। ठीक ना, मतलब जो इसका कंटेनर होता है वो इस्पात चादर की बनी होती है, वो इतना मोटा होता है। ठीक है, और प्लस इसकी धनात्मक प्लेटें जो होती है निकिल ऑक्साइड की कोटेड छिद्र में लोहे की घुमावदार नलियों की बनी होती है। यानी ये लोहे की बनी होती है और उसके ऊपर निकिल ऑक्साइड की कोटेड होती है, निकिल ऑक्साइड की उस पर कोटेड कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, इन नलियों में निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, निकिल चूड़ के कण भी भर देते हैं, जिससे विद्युत अवघट की चालकता बढ़ जाती है। जो उसमें विद्युत अवघट होंगे उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत अवघट कौन सा प्रयोग करेंगे, अभी मैं बताता हूँ। उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर भी आगे मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा। तो धनात्मक प्लेट समझ में आया, ये लोहे की बनी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, निकिल हाइड्रोक्साइड की कोटेड होती है। क्लियर बात भाई? अब देखिए ध्यान से, ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है, अब ऋणात्मक प्लेट के बारे में चर्चा कर ले। ऋणात्मक प्लेटें जो होती हैं, देखिए ऋणात्मक जो प्लेट होती है वो क्या होती है, ये भी लोहे की खोखली छड़ों और उसमें लोहे की चूड़ भरकर या लौह ऑक्साइड भर करके बनाते हैं। बात समझ गई, लोहे की चूड़ के साथ साथ लौह ऑक्साइड को भर करके उसको बनाते हैं। ठीक ना, देखिए मतलब कुल मिलाकर देखा जाए, मैं बात करूँगा आपसे कि जो विद्युत अवघट, सॉरी ये निगेटिव जो प्लेट होते हैं, ये भी लोहे की ही बनी होती है, ये भी हमारे क्या होती हैं, लोहे की बनी होती है, और उसमें जो चूड़ भरते हैं लोहे की चूड़ भरते हैं। और धनात्मक प्लेट में क्या भरे थे, निकिल की चूड़ भरे थे, और निगेटिव प्लेट में लोहे की चूड़ और लो ऑक्साइड भरते हैं। क्लियर बात में आई? और उसके बाद देखिए, दोनों में चूड़ और उसके ऑक्साइड भरते हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो प्लेट होते हैं, जो ऋणात्मक प्लेट होते हैं, उसकी संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है। अर्थात किनारे की जो प्लेट होती हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक प्लेट होती हैं। ठीक ना, देखिए मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए क्या है, ये ऋणात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है, और ये देखिए धनात्मक प्लेट है, ये धनात्मक प्लेट है। तो देखिए अब ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक है कि नहीं, ये एक धनात्मक और एक धनात्मक, दो धनात्मक हुआ, एक दो और तीन, तीन ऋणात्मक हो गया। तो इस जो निकिल लौह सेल होता है उसमें ऋणात्मक सेलों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होता है, और किनारे की जो प्लेटें होती हैं वो ऋणात्मक होती है। ये देखिए दोनों आपको दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला, है कि नहीं।
और देखिए जो निकिल ये एकदम सेम लो ऑक्साइड सॉरी ये जो होता है शीशा अम्ल संचायक बैटरी तो सेम उसी के समान होती है, ठीक ना। और जो दूसरी सेल होती है इसके बाद जो छारी सेल पढ़ेंगे हम लोग, वो जो होती है वो क्या होती है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से अधिक होती है, अर्थात ऋणात्मक प्लेट उसमें कम होता है, धनात्मक प्लेट उसमें अधिक होता है। आई बात समझ? और देखिए यही बात इसमें लिखी गई है, कोई दूसरी बातें नहीं लिखी गई थी, जो यहाँ पर जो भी समझाएं वही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। और देखिए ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेटों को आपस में विद्युत रोधन यानी मतलब नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में एवोनाइट की जो क्या होता है एक परत मतलब क्या लगाते हैं एक मटेरियल रख देते हैं जिसका किसकी होती है एवोनाइट को होती है, जो क्या करता है कि ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेट को क्या करता है सेपरेट करता है, ठीक ना, जिसमें दोनों प्लेटें क्या हो शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे क्या दोनों प्लेटें क्या हो शॉर्ट सर्किट ना हो, यही बातें कही गई है। और देखिए इसमें क्या गया, इसमें विद्युत अवघट आसूद जल में, देखिए उसमें क्या था शीशा अम्ल संचायक बैटरी में क्या था विद्युत अवघट जो था आशुद जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल के बनाते थे, लेकिन इसमें क्या मतलब आशुद जल में 20% क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और 1% उसके साथ क्या लिथियम हाइड्रोक्साइड डाल करके तैयार किया जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होता है बैटरी का जीवन काल बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए तो यही था बस, इसमें कुछ था निकिल लो छारी संचायक बैटरी एकदम सिंपल था, ये पूरी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए ये सेल के बारे में तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ये सेल के बारे में देखिए ये पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव, ये निगेटिव प्लेट, ठीक है ना, ये निगेटिव प्लेट यहाँ से दिखा दिया गया है। और उसके बाद आइए इसका रिएक्शन देखे, ठीक ना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय, एनोड पर देखिए क्या हो कैसा क्या रिएक्शन होता है, एनोड पर देखते हैं रिएक्शन क्या, देखिए चार्जिंग करते समय एनोड पर क्या आता है OH डबल मतलब OH माइनस आता है, आयन आता है जो क्या करता है NiOH, देखिए जो लोहे के ऊपर किसकी NiOH की तो कोटेड होती है, जो प्लेट होती है इसके NiOH की कोटेड होती है, निकिल हाइड्रोक्साइड की कोटेड होती है, तो क्या करता है जो ऋणात्मक आएगा यहाँ पर यानी OH माइनस आएगा इसके पास तो क्या क्रिया करेगा, ये देखिए वही चीज़ दिखाया गया है, ये NiOH है इसके पास जब OH माइनस आएगा तो यह क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा NiOH का होल फोर आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखिए निकिल हो जाएगा यहाँ पर, और डिस्चार्जिंग समय क्या होगा, डिस्चार्जिंग के समय कंडीशन ये होगी, डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा कि इसके इसके पास जो चार्जिंग होता है सॉरी ये जब डिस्चार्जिंग होगा तो डिस्चार्जिंग समय OH माइनस आया था, और जब डिस्चार्जिंग होगी तो K+ उसके पास आएगा, जब K+ उसके पास आएगा तो वह क्या करेगा चार्जिंग जब रहेगा तो ये मतलब इसका बन जाएगा NiOH के फोर हो जाएगा होल फोर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2K+ यहाँ पर आएगा, तो ये इससे क्रिया करके फिर NiOH का बन जाएगा और प्लस KOH क्या हो जाएगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जो विद्युत अवघट है KOH का हो जाएगा, क्लियर बात समझ आई। ये हो गया देखिए डिस्चार्जिंग के समय क्रिया, ये ऊपर हो गया चार्जिंग के समय क्रिया एनोड पर। अब कैथोड पर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की क्रिया क्या होती है, अब देखिए चार्जिंग के समय क्या होती है, ये दिख रहा होगा आपको कि चार्जिंग करते समय क्या होता है एनोड पर K+ आता है, क्योंकि चार्जिंग के समय OH जो माइनस था वो धनात्मक पर आ गया था, ठीक ना, तो ऋणात्मक पर क्या जाएगा K+ जाएगा, तो K+ जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए क्या होगा यहाँ पर, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर स्क्रीन पर देखिए लिखा है FeOH ना लो हाइड्रोक्साइड लिखा गया इस पर, तो लो हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है और K+ इसके पास आया तो क्रिया किया, तो क्रिया करने के दौरान में ये क्या हुआ FeOH का बन गया और जब यानी लोहे का बन गया और प्लस ये इससे क्रिया करके KOH बना दिया, मतलब ये चार्जिंग के समय देखिए KOH की मात्रा बढ़ी उसमें, ठीक ना। और फिर डिस्चार्जिंग के समय देखिए कंडीशन क्या होगा कि अभी FeOH का ये रह गया है, ये देखिए FeOH रहेगा, ये FeOH हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा FeOH रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर तो FeOH और OH- जो है इसके पास आएगा
तो क्या डिचार्जिंग समय, तो एफ ई ओ एच का हो मतलब होल्ड ट्वाइस बना देगा। एक बात समय यही देखिए क्रिया होती है यहाँ पर, आप लोग देखिए मैं छूट गया नहीं लिख पाए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है ना। ये डबल प्लस रहेगा, ये फी डबल प्लस जो यहाँ दिखाया गया है ऐसा बना लीजिएगा ठीक ना। तो ये था आपका निकिल लॉ लॉ सेल जो था ठीक है, चाहे छारी सेल का पहला सेल हुआ तो इसको आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी चीज़ें ठीक है। तो ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।